ओके तो बहुत समय के बाद एक वीडियो और आज हम लोग ऐसे ही जा रहे चर्च गेट। अभी फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल कैन ट्रैवल इन लोकल ट्रेन, तो लोकल ट्रेन का मज़ा लेते हुए मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त इमरान और संदीप के साथ चर्च गेट। इन दोनों के दोनों मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और हम लोग जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे चर्च गेट। और ये पता नहीं कौन है, लोकल ट्रेन खाली है ना, तो आजकल लोग यहाँ पर सोते भी है। और अगर तुम लोग देखो तो प्लेटफॉर्म इज़ खाली खाली और साथ में है हमारी बैंड्रा की खाड़ी मिठी रिवर। ये इसका स्मेल तो हमेशा आता ही है, स्मेल आ गया मतलब बैंड्रा आ गया। और यहाँ पर है बड़े बड़े बिल्डिंग्स। लोकल ट्रेन भी खाली खाली जा रहा है फिलहाल, उतने लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, पर अगर आप लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो जा सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स लेके स्टेशन पर दिखाना, टिकट मिल जाएगा। क्रिकेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बाहर हो चुके हैं वर्ल्ड कप से, तो डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, पहुँच गए अपन चर्च गेट। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चर्च गेट स्टेशन। अभी यहाँ से ना A112 करके बस है जो कि डायरेक्टली लेके जाता है गेटवे ऑफ इंडिया तक, पर हम लोग जैसे आए वैसे चले गया था, तो हम लोग सोचे चलो चल के ही चले जाते हैं। वैसे भी चलते चलते ही तो एक्सप्लोर करना है। ये पेडेस्ट्रियन वॉक सबवे, मतलब यहाँ से जाओगे तो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे। और अभी तुम लोग देखो तो यहाँ पर पूरा सीन खाली खाली सा है। ये मैं हूँ और ये हमारे दो दोस्त जैसे कि मैंने पहले बताया। और क्या है वो क्या होता था? अच्छा यहाँ वीडियो दिखा था ना हेड मसाजर, वो लड़की लोग को ये वीडियो में ऐसा करते तो और चर्च गेट में स्ट्रीट शॉपिंग बहुत होती है जो कि अपन फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल तो सिर्फ पॉपुलर स्पॉट वो सब देखेंगे और चले जाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो है एज इन जस्ट अ नॉर्मल टूर। इधर ही किधर है वो, पता नहीं अभी किधर गया, मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ। मैं इधर बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ तो घूमने से पहले सब चल रहा ये थोड़ी। हाँ वही है जिसको समझा वो समझ जाएगा, पर फिलहाल तो अपन है काला घोड़ा में। यहाँ पर मोस्टली कार पार्किंग होती है और काला घोड़ा का स्टैचू है और इसके ठीक बाजू में है जहांगीर आर्ट गैलरी। इसका थोड़ा सा वीडियो मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम में, वैसे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था पर छोटा सा निकाल लिया। और ठीक जहांगीर गैलरी के बाहर अपन जैसे आएंगे तो आगे बढ़ते हुए हमें मिल जाएंगे बहुत सारे पेंटिंग्स, तो ये अपन खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिस्ट लोग भी बैठते, तो उनको सपोर्ट करना है तो यहाँ से कुछ ना कुछ पेंटिंग्स तुम लोग खरीद लो अगर तुम लोग को पेंटिंग्स में शौक है तो। आर्ट गैलरी के ठीक आगे आ जाता है संग्रहालय, म्यूजियम है ये, काफ़ी मस्त है तो अंदर ज़रूर जाना, पर फिलहाल बंद था ड्यू टू दिवाली। और उसके ठीक आगे जाएंगे तो आ जाएगा मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर्स। और अभी रीगल तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो कि बहुत ही क्राउडेड है। अगर गेटवे ऑफ इंडिया आना है ना तो कभी भी दोपहर के टाइम पे आना नहीं, एकदम अर्ली मॉर्निंग आओगे ना तो इसको प्रॉपरली अच्छे से खाली खाली में देख सकते, वरना यू विल फेस सो मेनी क्राउड्स विच इज़ काइंड ऑफ इरिटेटिंग। बस गेटवे ऑफ इंडिया को थोड़ा सा देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आ रहे हो तो मॉर्निंग में ही आओ, नहीं तो फिर ऐसा क्राउड फेस होगा। और अगर तुम लोग फेरी से जा रहे हो तो अलग बात है क्योंकि आगे फेरी सर्विस है यहाँ पर नीचे जो कि आपको लेके जाता है एलिफेंटा केव्स, अलीबाग, उन सब का फेरी यहाँ पर ही मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग को पार्टी करने जा रहा है तो उसका भी फेरी मिलता है। यहाँ पर सनसेट हो रहा है तो सनसेट के लिए बेस्ट स्पॉट है मरीन ड्राइव जो कि अपन फिर कभी देखेंगे। वैसे गेटवे ऑफ इंडिया 1924 को इनॉग्रेट हुआ था, तो बस अभी 3 साल के बाद इसका 100 ईयर्स हो जाएगा जो कि अपन देखेंगे। यहाँ पर ना कुछ कंस्ट्रक्शन चालू था, ये अब हमारे सामने है ताजमहल होटल और टावर, दोनों के दोनों काफ़ी पॉपुलर जगह है पर काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। पर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है। अटार अहमद दाऊद दाऊद कोविन मेमोरियल रेडियो मेथोडिस्ट चर्च गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक पीछे आता है ये बड़े मियाँ रेस्टोरेंट, काफ़ी फेमस है पर काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है आजकल। चाय नंबर 2 राजवाड़ी चाय, राजवाड़ी की चाय पियेंगे हम आनी स्नैक्स
इलायची वाली निवास चार बार पुलअप मारा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है मालूम है। चार भी नहीं जैसा वो डिप को मारा ना। चलिए ओके 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 हेलो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर फिर कभी आएंगे, पर अभी अपन थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ये बस का टिकट कुछ 150 है ऊपर वाला, और नीचे बैठना है तो 50 रुपीज़। थोड़ा सा एकदम राउंड ग्राउंड मेरे को राउंड घुमा के लेके आता है, तो जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अभी अपन थोड़ा जा रहे हैं आगे, जा रहे एशियाटिक लाइब्रेरी की वहाँ पर उसके सामने आ गया है ये आयनस का। पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते थे। बाजू में है नेवल डॉक, यहाँ पर थोड़ा सा ना फोटो वोटो खींचना नहीं। और ये थोड़ा सा ओला का नया साइकिल, पता नहीं साइकिल को कलर किया गया है मे बी इन ट्रांसपोर्ट। और आ चुके हैं एशियाटिक लाइब्रेरी, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं टिकटॉक वीडियोस या बोल सकते हैं इंस्टाग्राम रील्स बनाने। इसके ठीक ऑपोजिट में है हॉर्नी मैन सर्कल, पर गार्डन भी है, नाम पता नहीं जाने तो। बस इतना ही है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आ चुका है फाउंटन, फ्लोरा फाउंटेन के वहाँ पर आकर ये वीडियो होता है ख़त्म। मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में, अगला वीडियो अच्छा बनाता हूँ और मोस्टली वॉइस ओवर टाइप नहीं बनाऊँगा। मिलता हूँ, चलो बाय।